जी सर बेसिकली मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है सर तमिलनाडु, जहाँ पे इन लोगों का एक अजब सा अकीदा है। मतलब कोई भी चीज़ अगर होती है तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे इमाम साहब ने ऐसा कहा, इमाम साहब ने वैसा कहा है। और सेकंड चीज़ ये मुझे एक साहब एडवाइस कर रहे थे कि आप बैत ले लीजिए, मतलब उन्होंने किसी ना एक्स वाई जेड आदमी का नाम लिया और कहा कि उनके पास आप जाके बैत लीजिए और उनके ऊपर फॉलो कीजिए आप। और उनके काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग मुझे मतलब रेफरेंसेस जो दिए थे काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, तो सर इसके सिलसिले में आप कुछ बताइए। भाई ने एक सवाल किया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि किसी की इमाम मतलब ये इमाम के पीछे चली या इनकी बात मानिए उनकी बात मानिए, ये जो तरीक़ा है इस तरीक़े को जो है पीरी मुरीदी कहते हैं आम जबान के अंदर। कि उसमें होता यह है कि एक इंसान को वो कहा जाता है कि भाई इनके पीछे आप चलो, इनके पीछे चलो, जिस चलने से पीछे वो कहते हैं इनके हाथ पर बैत करो। बैत का माना होता है वादा करना, प्रॉमिस करना, ठीक है, बैत होता है। या ये किस्म का इस्लामी शरीयत के अंदर से कई माने, इसमें एक माना तो ये है कि उस वादा करना, दूसरा माना ये गवाही देना या ये वादा करना कि मैं आपको, या वोटिंग के तौर लिए भी बैत इस्तेमाल होता है। जैसे खलीफा को चुनना है तो लोग बैत करते, वादा करते कि इसके खिलाफ मैं नहीं जाऊँगा, तो एक किस्म का बैत वोट हो जाता था वहाँ। ठीक, यहाँ बैत वादे के माने में भी होता है। ठीक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बैत ली है, याद रखी, लोगों से बैत ली। और ये बात हम जानते हैं तारीख से और अरबों की तारीख से और सीरत से कि अरबों की खसूसियत थी कि जब वो किसी चीज़ का वादा करते तो वादे को नहीं तोड़ते, वादा खिलाफी उनके अंदर नहीं थी, और जब खसम उठा लेते तो खसम को पूरी करते, ये उनकी आदत थी। इसीलिए हदीस में आता है जैसे कि बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स आया और आपसे कुछ सवालात की, क्या आप अल्लाह के नबी, आपने कहा, कहा आपकी दावत क्या है, तो कहा तौहीद, कहा इसके बाद क्या, तो कहा नमाज, इसके बाद क्या रोज़ा, इसके बाद क्या ज़कात। ये बातें उसने सुनी और उसके बाद कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को याद रखना कि अल्लाह की कसम जो आपने कहा इससे मैं एक चीज़ ज़्यादा और एक चीज़ कम नहीं करूँगा, और वो चला गया। जब वो चला गया तो आपने मुस्कुरा और कहा क्या तुम में से कोई जन्नती देखना चाहता है, सामने कहा हम, तो कहा वो शख्स देखो अगर जो वादा उसने मुझसे करके अभी निकला है ना पूरा कर ले तो वो जन्नती है। और चूंकि आप सब जानते थे अरबों में खसूसियत थी वादे को नहीं तोड़ते थे, वो बैत एक बार ने बैत कर ली थी ना वादा, इसी को बैत कहेंगे। सर कोई तरीका नहीं था, उसने आया और आपने कहा कि मैं अल्लाह की कसम ये करूँ, आपने कहा अगर तू ऐसा करता है फलां हो चला, ये उसका वादा था अल्लाह के रसूल के सामने कि मैं ऐसा करूँगा। ठीक, अब ये बातें तो है लेकिन आप लोग इसको एक अलग कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। वो ये होता है कि ये करना लाजिम और ज़रूरी है कि ज़िंदगी में किसी के पीछे चलना है बैत करके, आपको लाजिम फ़र्ज, तो लिहाजा किससे मिले तोलते आप किसके हाथ पर बैत किए हुए, आप किसके हाथ पर बैत किए हुए। वो कहता मैं तो फलां के हाथ पे होता, अरे यार तुम तो बहुत बड़े आदमी के हाथ पे बैत किए हुए, हम ज़रा छोटों के हाथ पे हैं, तुम किसके हाथ पे बैत किए हुए, अरे तुम तो बहुत बड़े के हाथ पे बैत किए, तुम तो फलां हैं, समझ रहे हैं बात को। या फिर आपकी शख्सियत को बैत के लायक बना दो बोलते, नहीं तो समझ रहे हैं आपको। ठीक, जैसा कि एक मरतबा ये हुआ, मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप किसके हाथ पे बैत किए हुए, अब वो ये बैत वालों का मसला ही रहता है, वो दूसरे से पूछते फैज़ भाई किसके हाथ पे बैत किए हुए। ठीक, मैंने एक दिन कहा कि भाई मुझे बैत करने की क्या ज़रूरत, मैं खुद आले रसूल से हूँ, कभी मेरा नाम पर गौर नहीं किया आपने, फैज़ अली सैयद मेरा पूरा नाम है, इधर सैयद है इधर अली है, दोनों में बोला, कोई मामूली ख़ानदान थोड़ी है। ठीक, तो नहीं तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनके पीछे हमें बैत करना चाहिए बोले, तो ये हालत है। इसलिए कि जिनके हाथ पे बैत करते हो बैत के लेवल पर जाने के लिए इतने झूठे सच्चे किस्से होते हैं उसके पीछे कि आप यकीन नहीं जानेंगे कि एक साहब ने 2 लाख रुपया दिया सिर्फ अपने नाम के आगे कादरी लफ्ज़ लगाने के लिए, है खान कादरी लगाने के लिए 2 लाख दिया, और फिर उनका ये बोलना था अब सैयद लगाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो सैयद फलां कादरी हो जाऊंगा, खान निकल जाएगा फिर, जिससे मैं उनके बैत करके उनके हाथ के नीचे जाने से मुझे होगा। और उन्होंने जो है 2 लाख रुपए ख़र्च किया उस ज़माने में, उन्होंने कुछ जो ख़र्च किया पैसा, तो उनके जो पीर थे उनको 2 लाख रुपए का सोने का एक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ ऐसा बड़ा तमगा बना के दिया था उन्होंने, 2 लाख रुपए का बहुत मतलब कुछ किलो में चला गया होगा उस ज़माने में, तोहफा दिया था, तो तब मिला, मतलब कैश डायरेक्ट तो कोई नहीं लेता है ना, तोहफा लिए थे उन्होंने 2 लाख का सोने का एक तमगा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, उस पर एक चेन डाली हुई, तो तब उनको सिलसिला मिला था कादरी। ठीक, तो अंदाज़ा लगाई, तो लोग इस हद तक उसको वो करते हैं कि अगर इसमें शामिल ना हो तो ज़िंदगी बेकार, अपना माल दौलत सब कुछ लुटाना चाहते हैं इसके लिए। तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बैत लिए, लेकिन ये बैत को आपने कभी कंपलसरी नहीं ठहराया, कभी वाजिब नहीं किया। मुझे बताइए अबू बकर सिद्दीक़ से अल्लाह के रसूल ने क्या बैत ली थी, उमर इब्न खत्ताब ने क्या बैत की थी, कुछ सहाबा ने की मैं जानता हूँ, हर सहाबी ने नहीं की, लेकिन तो आपने उन लोगों से आम तौर से बैत ली जो आपके निगरानी में नहीं रह रहे थे, जो दूर जाने वाले थे, ताकि बैत लेने से वादा लेने से अरबों में खसूसियत थी अपने वादे के खिलाफ ही नहीं करेंगे तो अपने कबीले में जाके ज़रूर भी ज़रूर इस्लाम पर अमल कर, तो आप बैत ले लेते थे। या सेकेंड आपने बैत तब ली जब आप
मदीने आए, मदीने में आकर इस्लामी खिलाफत कायम हुई। इस्लामी खिलाफत कायम होने के बाद जब कोई कबीले का सरदार आता और रसूलुल्लाह पर बैत करता तो एक तरह से अपने इस्लाम का इकरार करता, और सेकेंडली वो आपको अपना खलीफा मानता, अपना लीडर मानने की बैत करता था। और ये लीडर मानने की बैत का सिलसिला तो आपके बाद अबूबकर सिद्दीक़ के जो है सलेक्शन में आपको खलीफा चुनने में इस्तेमाल हुआ, उमर इब्न ख़त्ताब के उसमें इस्तेमाल हुआ, और दीगर तमाम के उसमें ये बैत का सिस्टम फिर जारी रहा। ठीक, तो वो कंपलसरी बताते हैं। अच्छा, अब बैत को शरीय एतबार से कर भी ले, ठीक कर भी ले, समझ लीजिए कि कोई आदमी आया उसे बैत कर ले, तो नॉन मुस्लिम के लिए बैत आज भी लागू है। आप समझो कोई इस्लाम कबूल करने आता उससे बैत लेते, औरतों से थोड़ा अलग था, मर्दों से अलग था, ईसाई मर्दों से अलग और ईसाई औरतों से अलग बैत लेते थे। जो उनमें खामियां थी कि तुम अल्लाह को एक मानोगे, तीन नहीं मानोगे, ईसा अल्लाह का बेटा है, औरतें होती तो चोरी नहीं करूँगी, जिना नहीं करूँगी, दूसरों की औलाद को अपने शोहर की तरफ मंसूब नहीं करूँगी, मतलब जिना नहीं करूँगी, और अगर ये अमल होता है तो अपने झूठा अब किसी को बेटा नहीं कहूँगी उसको, मतलब इसका इकरार करूँगी इस जुर्म का, तो इस किस्म की आप बैत लेते। तो नॉन मुस्लिम से कोई बैत लेना चाहे तो ये एक अलग बात है, वो आज भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो आज की बात है वो ये है कि मैं फलां के पीछे चल लूँ, फिर ये मेरे ज़िम्मेदार, ये मेरे कारसाज, ये मेरी मुश्किल कुशा, ये मेरी हाजत रवाई कर सकते, ये वसीला बन के मेरे हर अमल करा सकते, और इनके अमल के ऊपर मेरे अमल डिपेंड है। ये नेक है तो मेरे अमल खुद ब खुद बुरे अच्छे हो जाएंगे, और ये बुरे हो गए तो मेरे अमल अच्छे ही बुरे हो जाएंगे। लिहाजा अगर मेरा पीर अच्छा है तो मैं खुद ब खुद पीछे निकल जाऊँगा, मेरा मुर्शिद अगर अच्छा है तो उसके पीछे मेरी भी कामयाबी है, और मेरा फ़कीर अगर अच्छा है तो उसके पीछे अगर मैं चलता हूँ तो मैं भी कामयाब हो जाऊँगा। जैसा कि ट्रेन का इंजन चलता है तो डब्बे खुद ब खुद पीछे जो है चले जाते। मिसालें तो एक से एक है भाई, मिसालों की तो कोई कमी नहीं। ट्रेन का इंजन गया तो डब्बे भी चले जाते हैं। तो एक साहब मुझसे ही कहने लगे कि बोले ट्रेन का इंजन जाता है डब्बे भी चले जाते हैं, तो वैसा बोले हम भी चल जाएंगे और तुम लोगों को अलग अलग जाना पड़ेगा, बोले तुम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। मैंने कहा वो ट्रेन का इंजन और जो डब्बे चलते ना, वो दोनों के बीच में जो है ना एक कड़ी रहती है ना, तो वो किताब व सुन्नत की अगर कड़ी रही तो आगे वाला भी किताब व सुन्नत का पाबंद, पीछे वाला भी किताब व सुन्नत का पाबंद, और वो कड़ी वो किताब व सुन्नत है, वो लगी तो चलती नहीं तो तुम्हारी ट्रेन स्टेशन पर रहती, इंजन चला जाता अकेला। बोले ये क्या मजाक है आपका, बोले हम मिसाल की तरह। मैंने कहा आपकी मिसाल इतनी घटिया है कि उसको मैं समझो उसकी सर्जरी कर रहा हूँ कि मिसाल के ऊपर नचता कि भाई देखो तुम बोल रहे कि गाड़ी गई तो इंजन गया तो डब्बे जाते, तो मैं ये कह रहा हूँ वो इंजन से डब्बे लगे हुए नहीं है तो कहाँ से जाते फिर, और इंजन में डीजल ही नहीं हो, वो इंजन भी खड़ा हुआ डब्बे भी खड़े हुए, तो अब क्या करते, अब इंजन भी खड़ा हुआ डब्बे भी खड़े हुए, अभी तो दोनों भी नहीं जाते, चूँकि इंजन भी किताब व सुन्नत में डब्बे भी किताब व सुन्नत में नहीं, दोनों वहीं रह जाएंगे। तो नहीं यार बोले तुम्हारे पीछे लगे ना तुम लोग ऐसे होते। मैंने कहा आपने मिसाल दी, मैं मिसाल पे बात कर रहा हूँ आपसे, अब क्या मिसाल दूँ आपको, आपने इंजन की मिसाल दी, मैं ट्रेन इंजन की बात कर रहा हूँ। तो हमारा ये मानना है अगर किताब व सुन्नत पर हम रहे तो हर इंसान के लिए एक इंजन आएगा और उसको ले जाएगा, मतलब हर मोमिन जो है सवार होगा और जन्नत में जाएगा, हमको कोई एक इंजन के पीछे डब्बों के साथ जाने की जरूरत नहीं है, इनफरादी फर्दन फर्दन हम जाएंगे। और ये हदीस में और ये कुरान में आता है हर इंसान रब के सामने अकेला खड़ा होगा, अकेला होगा मतलब हर आदमी या तो इंजन होगा या तो डब्बा होगा, दोनों में से कोई एक होगा, अकेला ही होगा ना, या तो इंजन या तो डब्बा, ठीक है दोनों में से कोई। ये बोला है कि इंजन तो हमारे नबी इंजन हो गए समझ लीजिए, हम इसके पीछे डब्बे हैं, ये हो सकता, लेकिन उनके तरीक़े पे हो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका मुर्शिद अगर उस तरीक़े पे किताब व सुन्नत की तो ठीक है, वेल कोई मसला नहीं, आप उसके तरीक़े पे क्यों, आप ख़ुद किताब व सुन्नत पर अमल कीजिए, आप भी चले, आप भी इंजन है और वो भी इंजन है, सब अपने अपने ट्रैक पे अपने अपने तरीके से जाएंगे, क्योंकि हर आदमी अल्लाह के पास फर्दन फर्दन खड़ा होगा, कहीं भी लफ्ज़ नहीं कि एक नबी आएंगे और पूरा ग्रुप उसके साथ आके खड़ा होगा। हाँ मकाम महशर में सब खड़े होंगे एक साथ, महशर के बाद तो इंजन को भी अलग जाना और डब्बों को भी अलग जाना, मतलब हर आदमी फर्दन फर्दन आ रहा है, उससे बात हो रही है, अल्लाह से कलाम हो रहा है, सवाल और जवाब के बाद आगे बढ़ रहा है, यहाँ क्या तुम्हारी ट्रेन और क्या इंजन काम आने वाला, ये मिसाली दुरुस्त नहीं ना फिर तो। बहरहाल हर आदमी जाएगा, तो लिहाजा वो बैत जो आज ली जा रही है वो गैर शरई बैत है, उसका कोई शरई वजूद नहीं है, और जिस अकीदे पर ली जाती है जिंदा और मुर्दों से भी ली जाती है कि हम अब्दुल खादर जिलानी के जो है पीछे जो है हम चलते हैं, हम उनके जो है मानने वाले हैं, और वो है अच्छा मानने वाले होने का मतलब भी नहीं समझ में आता इनको बहुत सी बार। मानने वाले का मतलब होता है उनके तरीक़े पर चलने वाला, उनके तरीक़े पर चलने वाला। एक मरतबा जो है मैं एक मुकाम पर दरस कुरान लिया करता था, वहाँ लोगों ने बहुत खिलाफ वर्जी की, और एक बार तो क्या किया पेंट में ब्लैक कलर का पेंट अपनी मस्जिदों के बाहर मारा और वाइट कलर पेंट में लिखा ये रफादैन करने वाले ये हरामकारी करते हैं, ये आमीन बिल जहरन वाले ये हरामकारी करते हैं, इनको मस्जिदों से निकाल दो, ये जानी है हज़रत उमर को गालियाँ देते हैं पूरा ऐसे, और पूरे मस्जिदों ने प्लान करके वो एरिया में लगा दी। ठीक, उसके बाद हुआ यूँ कि एक आध महीने के अंदर बम्बे से एक जमात आई, जमात नहीं माफ करना काफिला आया, अब वो काफिला आया उस इलाके के अंदर रुका, जमात और काफिले का फ़र्क शायद आप समझते हैं। ठीक, तो काफिला आया, जब काफिला आया वहाँ रुका तो मुझे पता चला वो काफिला जो है अब्दुल खादर जिलानी के ख़ानदान से होने का दावा करता है, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो उनके ख़ानदान से दावा करते होने का,
मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा मौका मिल गया। मैंने एक गुजारिश की और एक थोड़ी देर का टाइम मांगा कि मुझे आप लोगों के साथ टाइम चाहिए कुछ। उन्होंने वो टाइम दिया। जब मैं वहाँ गया उनसे मिलने, तो वो एक दरगाह में खड़े थे, और दरगाह में खड़े कि खूब बुरा और भला बोल रहे थे। वो जो ज़िम्मेदार थे, जो अब्दुल खादर जिलानी ख़ानदान के थे, वो कह रहे थे कि ये जो गल्ले तुमने दरगाहों के सामने लगाए हैं, ये तुम बदनाम कर रहे अल्लाह के वलियों को। ये भीख मांगने थोड़ी आए थे अल्लाह के वली, तुम इनके नाम पर धंधा कर रहे हो, चंदा कर रहे हो, ये कर रहे हो। खूब चिढ़ रहे थे, मतलब हटाओ बोल रहे थे, ये सब चीज़ें नहीं होना। ये अल्लाह के वली तो दुनिया छोड़ कर आए थे, और तुमने पूरी दुनिया बसाने के तरीके बना लिए इसके ऊपर। चिड़चिड़ कर रहे थे, मतलब वो एक जेन्युइन दिख रहे थे अपने अकीदे में, जो भी उनका अकीदा था, लेकिन वो खालिस थे अपनी उस नीयत। बहरहाल उसके बाद मैंने मुलाकात की, मैंने कहा आप अब्दुल खादर जिलानी ख़ानदान से, और जब अब्दुल खादर जिलानी ख़ानदान के होंगे तो मुझे पता है ये शाफ़ी होंगे। अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह वो हनफी नहीं थे, शाफ़ी थे, तो मुझे पता ये शाफ़ी होंगे ही बंदा, तभी अब्दुल खादर जिलानी के ख़ानदान। और मेरा गेस बिल्कुल राइट था, वो शाफ़ी थे, और वो नमाज़ जब पढ़ी तो रफ़ैदन किया। उसके बाद मैंने उनको मस्जिद से बाहर लाया, मैंने कहा शेख आप इतने बड़े इलाके में आई, ज़रा चल के कुछ मस्जिदों की ज़्यारत कर लेंगे, वहाँ दरगाहें भी थी। कहा चली, जब ले गए तो एक मस्जिद साहब, मैंने खड़ा कर दिया उनको, रफ़ैदन करने वाला आराम काम कर रहे हैं। शेख क्या लिखा हुआ है देखिए, आमीन बिल झरने वाला फला। जब उन्होंने शुरू किया वहाँ एक एक मुतवल्ली को बुरा भला बोलना, सबको जमा की, सब इधर आओ, बड़ी दरगाह वाले, छोटी दरगाह वाले, ये वो सब, क्या है सालों तुम ये कर रहे, बोले अब्दुल खादर जिलानी को गालियाँ दे रहे, पिराने पीर को जिसके पीछे तुम जन्नत में जाने वाले, उन वो रफ़ैदन करते थे और तुम उनको गालियाँ दे रहे, तो सब तो बहुत गलती हो गई जल्दी। और उसी दिन पेंट पूरा वापस, पेंट पूरा ढाक दिया, बोले नहीं बहुत बड़ी गलती होगी, अल्लाह माफ़ करे। उनको खुद नहीं मालूम कि अब्दुल खादर जिलानी जो है वो शाफ़ी थे, हनफी नहीं थे मसलकन, और रफ़ैदैन करते थे। उन्होंने गालियाँ लिख दी रफ़ैदैन करने वालों के नाम से, अपने ही पीर को गालियाँ दे दी, जिसके पता नहीं न्यास कर रहे 70 साल 80 साल से, और उनको गालियाँ दे रहे। उनको ये नहीं पता कि वो जिस इमाम के पीछे या जिस मुर्शिद के पीछे जाने का दावा करते, वो खुद रफ़ैदैन करता था। देख मानना इसको बोलते हैं क्या? मानना तो मतलब तरीक़े पर चलना उसकी है ना। तो पीराने पीर को मान रहे, तो फिर चलिए ना उनके तरीक़े पर, कुछ अच्छे काम कीजिए, उनके तरह शाफ़ी बन जाइए हनफियत से निकल कर, उनके तरह रफ़ैदैन कीजिए, आमीन बिल वो सब करना पड़ेगा जो वो करते थे। तभी तो फिर ट्रेन इंजन को वही डब्बा फिट होगा जो उस इंजन के लायक बना होगा ना, कोई भी डब्बा तो फिट नहीं होगा ना। आपकी स्कूटर लगा देंगे ट्रेन के पीछे तो नहीं जाने वाली, तो फिर दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल वो जो पीरी मुर्शदी हमारे पास चलती है, शरीयतन उसका कोई वजूद नहीं है, जिसमें ऐसे अकायद है जो गैर शरई है, जिसमें आप बैत करके मुकम्मल मुतमईन हो जाते हैं अमाल के मामले में कि मुझे कुछ नहीं करना है, अब जो हमारे पीर करेंगे, मुर्शिद और फ़कीर करेंगे, मेरा वही मामला होगा। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये गैर शरई मामला है। शरीयत के अतबार से आप किसी के इस्लाम कबूल करने पर बैत ले सकते हैं, नॉन मुस्लिम जो होते हैं, और अगर खिलाफत खलीफा के चुनने के लिए या मुस्लिम लीडर के चुनने के लिए सिस्टम रखा जा सकता है, इसके अलावा आप वो बैत की ज़रूरत नहीं। और लोगों ने बैत के फिर अजीब व गरीब तरीके ईजाद किए, पता नहीं, बोले बैत करने से वो शराबी ने शराब छोड़ दी, कबाबी ने कबाब छोड़ दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ छोड़ दिया, इसने ये छोड़ दिया। देखिए ऐसे कुछ लोगों को फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ फ़ायदे के लिए पूरी शरीयत नहीं बदली जा सकती, याद रखिए, ठीक है। तो बहरहाल ये आज के दौर में जो चल रहा है बैत का सिस्टम, ये शरई एतबार से, शरीयत के रूह से जो है ये दुरुस्त बिल्कुल नहीं है, जिसमें आदमी किसी के पीछे लगकर अपने आमाल से बेफिक्र होकर डिपेंड हो जाता है कि ये हमें ले जाएंगे, और फिर वो सामने वाले ने क्या क्या तरीक़े निकाले। एक पीर को मैं जानता हूँ जो हर मुरीद से 200 रुपये महीना लेते हैं ताकि वो उसके लिए दुआएँ करते रहें, फ़लाँ करते रहें, और हज़ारों और लाखों में उसके मुरीद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकम का आप अंदाज़ा लगाई क्या है, अगर एक पीर के 1000 मुरीद भी और 200 रुपये रोज़ दे रहे हैं तो कितने रुपये हो रहे, वो 2 लाख रुपए मिलते हैं महीने को, ये क्या है, ठीक। अल्फाज बहरहाल दुरुस्त है, मुर्शिद मतलब रास्ता दिखा, रुश्द हिदायत का रास्ता बताने वाला, ठीक, ये फारसी लफ्ज़ है बहरहाल, ठीक है, रुश्द से मुर्शिद लफ्ज़ आता है जो रास्ता बताने, ठीक है, अल्फाज के तरह ठीक है ना, कोई गुमराह आदमी को रास्ता बता रहा वो उसका मुर्शिद हो गया, और वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो उसका बुलाने वाला काम करेगा इसको भी वो अजर मिलेगा, इन्हें जन्नत है उन्हें जन्नत नहीं, इसको अपना अमल, उसको अपना अमल। आदम अलैहिस्सलाम अपने अमल के लिए पूछे जाएंगे और काबिल अपने अमल के लिए पूछे जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से काबिल की पूछनी होगी, काबिल से आदम अलैहिस्सलाम की पूछनी होगी, सिवाय इसके उन लोगों से पूछूंगी जो मातहत थे किसी के और वो ज़िम्मा थे उनके, ज़िम्मेदारी अदा नहीं है तो पूछ, वरना हर शख्स अपना अपना अल्लाह के पास जवाब देने वाला है।